नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में शुक्रवार को प्रशासन के निर्देश पर बाजार खुले जाने थे। इस पर बाजार में सिर्फ किराना दुकान, मिठाई की दुकान और कृषि उपकरण संबंधी दुकान ही खोलने की अनुमति थी। इसके बावजूद भी बाजार में कई अन्य सामानों की दुकानें खोली पाए जाने पर प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की है। इसके अलावा कुछ ऐसी दुकानें भी थी जिन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा था। प्रशासन ने अलग अलग अधिकारियों के नेतृत्व में पूरे शहर में कार्रवाई करते हुए चालान बनाए। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। लॉकडाउन है और जो बिना परमिशन की दुकानें हैं, साड़ी अंगी सूज की, ये भी खुल रही हैं तो उनपे फाइन भी कर रहे हैं। और इनकी दुकानें सील, चार साड़ियों की दुकान सील करी है और एक सूज की दुकान सील करी। कितने रुपये का जुर्माना लगा? 500। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।